Hello everyone, welcome to another session of your CS Sankalp Mentorship Program for December 23 Old Syllabus students. Today we would be dealing with your paper of Module 2, that is your Corporate Restructuring, Insolvency, Liquidation and Winding Up. Today we would be understanding the subject in two parts. Part 1, your CRI, Part 2, your IBC. Okay, देखो, सबसे पहले ना ये समझते हैं कि इस सीआरआई के सिलेबस में क्या दिया है, कैसे दिया है. ओके, देखो, कंटेंट नो डाउट आईसीएसआई ने बहुत अच्छे से दिया है. मींस द कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, हमें कहीं और से नहीं पढ़ना. बट देर आर सम थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट. कैसा होता है ना, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हम कैसे करते हैं, एक चैप्टर पढ़ा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पर सीआरआई का मॉड्यूल ना काफी अनस्ट्रक्चर्ड है. मीनिंग कि कैसा है ना, इन्होंने सिलेबस में ना लाइन वाइज नहीं दिया. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पहले पढ़ने हैं, फिर कुछ उसके बाद में पढ़ने हैं, क्योंकि इंटरलिंकिंग है दोनों के बीच. अच्छा, सेकेंड, बहुत सारे कंटेंट ना रिपीटेड है मल्टीपल चैप्टर्स में. थर्ड, कुछ ओवरलैपिंग कंटेंट है विथ योर अदर सब्जेक्ट्स. ओके, सो वी विल गो ऑन सीइंग द चैप्टर वाइज स्ट्रेटजीज कि कहाँ पर कंटेंट पहले पढ़ना है, कहाँ पर बाद में, रिपीटेड कंटेंट कौन सा है, हम कैसे कवर कर सकते हैं. अच्छा, ओवरलैपिंग कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. And likewise, we will strategize this subject. Okay. Second, the question comes कि हम कहाँ से पढ़े? So you have to study from the notes you have been referring since day one, be it your faculty notes or be it your module. Okay. Now, let's start. देखो, सबसे पहला और जो बड़ा chapters है ना, वो आपके chapter number 1 and chapter number 2 है. Chapter number 1 थोड़ा सा ड्राई और बोरिंग है क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारा है. लेकिन याद रखना, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है. एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं. सबसे पहला एक आता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन. दे विल आस्क यू सम मीनिंग्स, टाइप्स ऑफ योर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सेट्रा. The second is they will ask you some concept based question and mandatory आता ही आता है. मतलब जैसे कि आपको कुछ case study form में दिया जाएगा and type of takeover ये कौन सा है. जैसे कि introductory part में हमारे examples दिए है, it is your hostile takeover or it's a friendly takeover etc. इस तरह से कुछ आपको पूछ सकते हैं और ये exam में आकर गया है. आपको विथ एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स जो अभी चलते आ रहे हैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है. ओके, सो इससे ये समझ में आता है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप कोई टॉपिक लीव नहीं करेंगे. रीजन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बेस है वो आपके सीआर का, वो आपको समझा रहा है कि क्या होता है रिस्ट्रक्चरिंग, क्या टाइप के रिस्ट्रक्चरिंग होते हैं. सेकेंड, हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पर इसे पढ़ेंगे, रटने के बेसिस से नहीं पढ़ेंगे. बिकॉज इफ यू जस्ट लर्न एंड मग अप द थिंग्स, यू वोंट बी एबल टू आंसर द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. ओके, क्या इसकी कोई स्ट्रेटेजी है क्या ये चैप्टर को पढ़ने की? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं. द चैप्टर इज फ्रेम वेरी ब्यूटिफुली, जहां उन्होंने लाइन बाय लाइन आपको चीजें बताई है. ओके, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप छोड़कर जाओ यहाँ से. देन योर टेक ओवर कोड, चैप्टर नंबर 2, क्या इसको पढ़ने का कोई तरीका है? ना, हम सिक्योरिटीज लॉ में कैसे पढ़ते हैं, रेगुलेशन बाय रेगुलेशन, इंटरलिंकिंग, सेम है. देखो, टेक ओवर कोड से ना बच्चे बड़े घबराते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा. अगेन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है. अगर आपको प्रोविजंस पता है, उनके लॉज पता है, कब टेक ओवर होता है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होता है, कितने परसेंटाइल पर होता है, उसके कैलकुलेशंस आते हैं, इट्स वेरी इजी टू डील विद दिस चैप्टर. बस कैसा है ना, आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज द की टू रिमेंबर द प्रोविजंस एंड यस, डोंट लीव एनीथिंग इन द चैप्टर.
market, these are important and lengthy chapters. Okay, now coming to the next set of chapters, chapter number 4, 12, 13 and your 3. ठीक है, अब यहां से आपका चालू होता है सेक्शन 230 टू 240. आपको जिस सीक्वेंस में स्क्रीन पर दिख रहा है उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना है. व्हाई व्हाई सो लेट्स सी. देखो सबसे पहले ना चैप्टर 4 के अंदर उन्होंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है द प्रोसीजर फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 टू 240 अलोंग विद द रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट. ओके, देन आगे उन्होंने चैप्टर नंबर 12 के अंदर सेक्शन 233 को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है. इट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ चैप्टर 4 इटसेल्फ. बस फर्क यह है कि उसका एक अलग से टॉपिक बना दिया है उन्होंने. देन चैप्टर नंबर 13 अगेन पार्ट ऑफ अ चैप्टर 4 ओनली बट सेक्शन 234 को उन्होंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया है. देन योर चैप्टर नंबर 3. तो सबसे पहले दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना है तो आपको क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे. वंस यू आर डन विद दैट सो देन यू हैव टू प्लान फॉर सम फंड्स. तो चैप्टर नंबर 3 डील्स अबाउट द फंडिंग कि अगर मैं किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही हूँ, किसी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ अरेंजमेंट, तो कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स. सो वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. देन कमिंग अहेड उन्होंने बोला कि देखो आपको समझ आ गया प्रोसेस, आपके पास पैसा आ गया, अब क्या, अब ये समझो कि अगर इन चीजों को आपको लीगल बनाना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे, वो इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यू आर डन विद योर डॉक्यूमेंटेशन. अब वो बोल रहे हैं कि कंपनी की कितनी वैल्यू है, आपकी असेट्स की क्या वैल्यू है, क्योंकि अगर आप अपने कंपनी को बेच रहे हो या किसी कंपनी को खरीद रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में. सो फॉर दैट रीजन दे हैव एक्सप्लेन्ड यू थिंग्स अंडर चैप्टर नंबर 6. कमिंग अहेड उन्होंने बोला कि ऐसे से काम नहीं चलेगा ना, आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स यूज करने पड़ेंगे वैल्यूएशन करते वक्त. तो वो चीज उन्होंने उसमें से दो पार्ट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. एंड देन नथिंग गोज विदाउट टैक्सेशन. टैक्स लगता है जब ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं. तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोविजन लगेंगे आपके ऊपर, क्या स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, वो उन्होंने बताया. नाउ यहां तक तो हो गया हमारा, उन्होंने प्रोसेस बताया. अब कैसा है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रूल्स हैं उनके अपने अपने, और हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर्स एमलगमेशन ऐसे ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी मार्केट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है. इसीलिए ये बताया गया है कि चैप्टर नंबर 9-10 के अंदर एक्सप्लेन किया है कि अगर जब ऐसा मार्केट में मर्जर्स एमलगमेशन होता है तो फिर कॉम्पिटिशन एक्ट के रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे. कौन से रूल्स अप्लाई होंगे उन्होंने अपने प्रोविजंस एक्सप्लेन किए. अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज पिक्चर में आती है, आपको उनको भी फॉलो करना है. वंस यू आर डन विद दिस आपका फिर जाकर के मर्जर्स एमलगमेशन अप्रूव होता है. सो इन दिस वे योर एंटायर सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड. बट क्या है ना, हमारे इसमें कुछ चैप्टर्स को आगे पीछे दिया है. स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दे गो ऑन एंड गो ऑन. प्रोसेस ही नहीं समझ पाते, चैप्टर की इंटरलिंकिंग नहीं समझ पाते. ओके, सो दिस इज योर थिंग. एंड द लास्ट की एनसीएलटी, एनसीएलटी पिक्चर में कब आता है, जब हो सकता है ना कुछ आपके डिस्प्यूट अराइज हो, है ना, आपके अरेंजमेंट के थ्रू. तो वहां पर क्या रूल्स है, उनके क्या रेगुलेशंस है, कैसे आपको उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ता है. अगर आपको अपील करना है सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइमलाइन, प्रोसेस, योर डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लाइकवाइज सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट अगेन, कि हम अगर ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सेट टू, तो हम ये सेट टू को कैसे पढ़ेंगे. ओके, आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, देन
12 बीच में आएगा, देन 13 आएगा एंड ये सब होने के बाद 3 आएगा। देखते हैं कैसे। ओके, कम टू द मॉड्यूल ऑफ योर सीआरआई पार्ट 1। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन। सबसे पहले चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है आपको एज इट इज पढ़ना है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्लस विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके ओके, यहाँ पर एक डीडी का पार्ट है। आई वोंट से इट इज एंटायरली सेम एज अ सेक्रेटरियल ऑडिट वाला डीडी 1 एंड डीडी 2, बट यस वहां के कुछ चीजें यहाँ पर रिपीटेड है। तो आप क्या कर सकते हो, यार स्ट्रेटेजी फॉर स्टडिंग दिस पार्ट, ये आप जब पढ़ोगे सो यू विल फाइंड सम ओवरलैपिंग कॉन्टेंट विद दैट सब्जेक्ट, उसे आप सिर्फ रीड करेंगे या टाइप्स ऑफ डीडी है ना रीड करेंगे, बाकी को आप थॉरली करेंगे यहीं से। नाउ यू हैव टू डू एज इट इज। ओके, यहाँ पर कैसा है ना, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। सो हाउ टू डू दिस, अगर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं 10 15, सो चूज एनी 8, मैक्सिमम चूज एनी 10 फॉर योर सेल्फ, नॉट 8, कभी कभी एग्जाम में हमें याद नहीं आता है, एंड गो अहेड, पूरा लर्न नहीं करना। अच्छा, वाइल चूजिंग कैसे करो, कॉमन वाले अपने पिकअप करो, ऐसे जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग अहेड विद द चैप्टर, यहाँ तक आपका पूरा वो डीडी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कौन सी अथॉरिटीज आएगी, एंड योर सेक्शन 230 to 240 इज स्टार्टिंग। ओके, अब देखो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि सेक्शन को रूल्स के साथ पढ़ा जाता है, सेक्शन अलग रूल अलग नो। क्यों? देखो सेक्शन ऑलवेज टेल्स अबाउट यू द लॉ, द प्रोविजन, रूल्स टेल्स अबाउट द फॉर्म नंबर्स, द टाइमलाइंस, द डेट्स, ऐसी चीजें बताते हैं। तो अगर आपको सबसेक्शन 1 में फॉर एग्जाम्पल बताया है कि एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर कन्वेइंग द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, तो अब आपको इसकी रूल में बताया जाएगा कि एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर कौन सा होगा। सिमिलरली यहाँ पर बोला डिस्क्लोजर देना है ट्रिब्यूनल को बाय द एप्लीकेंट, तो इसके इसके जो सब रूल रिलेटेड रहेगा वो आपको बताएगा कि डिस्क्लोजर दे रहे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है। सो यू हैव टू ऑलवेज रीड इट अलोंग विद द रूल्स। ये हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई स्टार्ट की, हम सेक्शन 230 स्टार्ट कर दी, तो इन सारे सेक्शन में एक सेक्शन 230 ही है जहां पर रूल्स दिए हैं, आगे के सेक्शन पे रूल नहीं है। तो सी आई एम कमिंग टू द रूल्स, यहाँ क्या लिखा है, द रूल प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन अंडर द सबसेक्शन ऑफ 230 ऑफ द एक्ट शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म NCLT 1, एंड देन ये सारी चीजें आपकी रहेगी। ऐसे ही करके आपको एक्सप्लेन किया है रूल 4 किसके साथ पढ़ना है आपको, सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ सब क्लॉज 1, मतलब देखते हैं 232C1, सेक्शन 230 सबसेक्शन 2C1, इसके लिए वो रूल बनाया गया है रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में क्या लिखा है देखते हैं, रूल नंबर 3 सॉरी, ओके, रूल 4 प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शैल बी इन फॉर्म CAA 1 शैल इंक्लूड इन द स्कीम शैल बी इंक्लूड द स्कीम ऑफ द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या ये CRS के बारे में बात कर रहा है क्या, देखते हैं ये वाला जो क्लॉज है, यस इट इज टॉकिंग अबाउट द क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। समझ आया क्या हमको सेक्शन को रूल्स के साथ कैसे पढ़ना है, अपना काम इजी करो, साथ में पढ़ो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो रूल्स से और सेक्शन से अलग नहीं आता, दे कम टूगेदर एंड लॉ इज टू बी रेड इन सच मैनर। अच्छा अब कैसे हम कर सकते हैं, आपके कुछ नोट्स होंगे राइट, इफ यू हैव द नोट्स इनकॉर्पोरेटेड विद द रूल्स एंड सेक्शंस टुगेदर वेल एंड गुड, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, तो क्या करोगे, जहां पर आपका सेक्शन लिखा है ना उसी के साइड में प्लस का साइन देने का,
रूल में जो भी लिखा है ना वो यहाँ पर लिख देना। इससे क्या होगा, आपका नोट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड यू विल हैव द रूल्स एंड द सब सेक्शन एंड द सेक्शन एट वन प्लेस इटसेल्फ, ठीक है, और पढ़ने में इजी रहेगा, रिविजन के लिए भी इजी रहेगा। सो लाइकवाइज यू हैव टू डू फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। एक बार देख लेना ना किससे रिलेट कर रहा है वो, जैसे कि रूल 6 किसके लिए है, इट इज फॉर सेक्शन 230 सब सेक्शन 3 के लिए ये दिया गया है, वो आपको फॉर्म नंबर बता रहा है। बाकी प्रोविजन ऑलमोस्ट डिटो कॉपी रहेगा, एक दो नए पॉइंटर्स हो सकते हैं एंड फॉर्म नंबर्स रहेंगे। ओके, कमिंग अहेड, सेक्शन 230 पहले यहां से करेंगे एंड देन 231, 232। अब यहां पर आप आएंगे सेक्शन 233 पे, ठीक है, यहाँ आप ये चैप्टर को छोड़ देंगे, गो टू चैप्टर नंबर 12। क्यों ऐसा, देखो चैप्टर नंबर 12 किस चीज के लिए है, समझते हैं। इट्स अबाउट फास्ट ट्रैक मर्जर्स, ओके, स्पीक्स अबाउट सेक्शन नंबर 233। एज आई मेंशनड अर्लियर, उन्होंने इस सेक्शन के लिए एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है, तो हम ऐसा नहीं है कि वो सीक्वेंस को ब्रेक कर देंगे, हम 230 से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, 240 तक एंड करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बीच में 233 आया है तो पहले चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, वो खत्म करके आएंगे, फिर हम सेक्शन नंबर 234 पर जाएंगे एंड देन गो अहेड। इससे क्या होगा, एक इंटरलिंकिंग बनी रहेगी आपकी सेक्शन की, आप कंटिन्यूस में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब कंटेंट किस तरह से सेम है, सेक्शन 233 ये जो पूरा कंटेंट मैंने हाईलाइट करके रखा है, और यहां जो हाईलाइट करके रखा है इट इज सेम टू सेम, आपको यहां से नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस चैप्टर 12 में अलोंग विथ रूल्स मेंशन किया है एंड चैप्टर नंबर 4 विदाउट रूल्स दिया हुआ है, या फिर जो भी दिया रहेगा बहुत शॉर्ट में। देखो सिर्फ सबसेक्शंस मेंशन्ड है, रूल 25 जो इस सेक्शन के साथ रीड किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है यहाँ पर। तो कभी भी बड़ा पार्ट पढ़ेंगे, छोटा सिंप्लीफाइड वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ सकते। देखो रूल 25 इनका ना एक छोटा सा पार्ट दिया है, सिर्फ रूल इज नॉट गिवन। हम आए चैप्टर नंबर 12, अब 12 में सबसे पहले सेक्शन 233 पढ़ेंगे, आसपास का जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, एंड देन अगेन रीड दिस सेक्शन अलोंग विद रूल 25। कहाँ दिया है, देखो यहाँ से चालू हो रहा है सेक्शन एंड देन यहाँ पर उनके रूल्स दिए हैं, कंटेंट सेम है, प्रोविजन सेम है, सिर्फ आपको फॉर्म नंबर्स दिया है यहाँ पर, अथॉरिटीज दिए। फॉर एग्जाम्पल देखो कि सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको डिक्लेरेशन ऑफ, सॉरी पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको फॉर्म CAA 10 में फाइल करना है। देखते हैं इसका सेक्शन, इट इज रेफरिंग टू 233(1)(c), सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 योर क्लॉज C। Each of the companies involved in the merger shall file a declaration of solvency in the prescribed form. This prescription is given under Rule 25, जो हमने देखा अभी CAA, it should be CAA 10, वो वहां दिया है। तो मैं क्या करूंगी, ये सेक्शन पढ़ रही हूँ, प्लस करके यहाँ पर लिख दूंगी CAA 10, डन, रूल साथ में पढ़ लिया। तो आपको ये यहाँ से इस तरह से पढ़ना है। ओके, अब देखो 233 पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, पढ़ा 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 यहाँ तक के, और मेरे साथ में रूल्स हो गए। अब पता है ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द रेपिटेशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबव। पता नहीं क्यों उन्होंने एक समराइज्ड वर्जन में लिख दिया है, अगर आप इसे सिर्फ गो थ्रू करोगे तो भी चलेगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कमिंग अहेड विद दिस, यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्म देखना है, इट इज रिपीटेड एंटायरली, यहाँ जाके ये टॉपिक 233 कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन। अब हमने चैप्टर उठाया है तो कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन कहीं उन्होंने स्मॉल कंपनीज के बारे में दे दिया, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये आकर गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन कमिंग अहेड टू द चैप्टर, अगेन उन्होंने रिपीट करके टैबुलर फॉर्मेट में चीजें दे दी. सेम कंटेंट 233 रेड विद रूल 25 इज रिपीटेड हियर. बस उन्होंने सिर्फ पता नहीं टाइमलाइन, फॉर्म नंबर्स एंड हु शैल कंप्लाई दैट इट इज गिवन. आपको ये जब आप 233 थरली कर लोगे ना, यू विल रियलाइज दिस इज नथिंग बट द रेपिटेशन. हार्डली 2 मिनट्स लगेगा गो थ्रू कर लेना. क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो क्या करते हैं, ऐसा एक छोटा सा कन्वेइंग अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स करके टॉपिक दे देंगे एंड यू हैव एंड दे से कि एक टैबलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करो. तो एक बार हमारा देखा हुआ रहेगा तो इट वुड बी इजी इन द एग्जामिनेशन टू राइट. अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो भी एग्जाम में लिख पाओगे क्योंकि हमें प्रोविजन पता है. लेकिन अगर ये पढ़ा हुआ रहेगा तो टाइम बचेगा आपका, आपको सोचना नहीं पड़ेगा लिखते वक्त कि हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट इट. दिस इज अगेन रिपीटेड पूरा. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग उन्होंने यहाँ पर दिया, कुछ नया कॉन्सेप्ट. इसमें कुछ चीजें फिर से रिपीटेड है इनिशियल स्टेज में देखोगे, बट सम थिंग्स आर न्यू. जैसे कि CAA 9 में अटैचमेंट उन्होंने अभी तक के नहीं दिए थे, यहाँ पर उन्होंने अलग से दे दिए. सो रिपीटेड प्लस न्यू कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट. क्या करोगे, इसको अच्छे से थरोली करोगे, जहाँ रिपीटेड है उसे मार्क कर लोगे. ये आगे पता है क्या दिया है, सेक्शन 233 का जो प्रोसीजर है ना, उसको वन लाइनर में उन्होंने दे दिया. ये आपको खुद आता है, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. ओके, दिस इज समथिंग न्यू. एंड लास्ट 2 पॉइंटर्स आते हैं कि अगर हमारे फर्स्ट ट्रैक मर्जर होता है तो क्या इफेक्ट है उसका और क्या प्रैक्टिकल इनसाइट्स है. दैट चैप्टर 12 इज डन, पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया. देखो अगर देखे तो कितना रिपीटेड कंटेंट है, ये छोटा सा पार्ट है इसमें से भी रिपीटेड है. यू जस्ट हैव टू डू द दिस अटैचमेंट्स एंड ये ऑल रिपीटेड रिपीटेड. ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्म रूल्स वाला हमने इसके साथ पढ़ लिया, चैप्टर चालू ही यहाँ से हुआ था. आई थिंक दिस मेक्स योर स्टडीज इजियर, है ना. तो यहाँ चैप्टर नंबर 12 मैंने उठाया, पढ़ लिया. अब मैं फिर से अपने चैप्टर 4 पर आ जाऊंगी, जहां मैंने उसे छोड़ा था लास्ट टाइम. हो गया ये एक बार फिर ये जो पार्ट है ना यहाँ पर लिखा हुआ 233 का, वो पढ़ने के बाद आप इसे गो थ्रू करेंगे, यू रियलाइज द कॉन्टेंट इज सेम. चाहो तो आप इसे क्रॉस भी कर सकते हो पढ़ने के बाद, है ना. नाउ सेक्शन 234 मर्जर्स और अमलगमेशन कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी. अगेन यहां पर आप जंप कर लेंगे चैप्टर नंबर 13 पर. क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 13 इसी बारे में है. लेट्स सी योर क्रॉस बॉर्डर मर्जर सेक्शन नंबर 234. Again, they have made a new chapter for this particular section. This is important. Exam में आकर गया है. ठीक है, ये नहीं पढ़ना है. Types of mergers दिए हैं, कुछ examples दिए हैं. यहां से आपका है 234. Read with rule 25A. Read it in the same manner as discussed right away. देन उन्होंने एक दो बॉक्सेस बनाए हैं बेनिफिट रिस्क के, एंड देन उन्होंने उसे ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है. लाइकवाइज यू हैव टू कंप्लीट द चैप्टर. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का, आपको ये रीड करना है. हो सकता है एग्जाम में इसको लेकर के क्वेश्चन आए, एंड पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन वैसे आकर गया है इसी फॉर्मेट पे, इसी केस स्टडी के बेसिस पर. Some judgments are given here. You have to read it. और क्या takeaway था, क्या conclusion था, आपको वो पढ़ना है. Exam में ये आ सकता है. देखो CRI में ना बहुत कम केस लॉज है, जितने हैं उतने आपको करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IBC, ओनली अबाउट CRI. तो डोंट लीव एनी ऑफ द केस लॉज. केस लॉ का नाम याद नहीं रहेगा चलेगा. फैक्ट कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर खत्म. मर्जर में क्या इफेक्ट्स है, प्रैक्टिकल इनसाइट्स, डन विद द चैप्टर. बहुत छोटा है. अच्छा यहाँ पर उन्हें कि एनेक्सर दिया है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार देखना है किस तरह से दिया हुआ है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स और किस तरह से फ्रेम होता है इसका एज पर योर फेमा. ओके, कुछ डेफिनेशन है वो रीड करना. तो एग्जाम में ना 1-1 मार्क के डेफिनेशन भी आ जाते हैं. यहाँ हमने जब इनबाउंड मर्जर का टाइप पढ़ा था, वो यहाँ पर उन्होंने अपने फेमा के रूल्स के थ्रू बता रहे हैं कैसे क्या होता है.
डन। तो यहां से आप करेंगे चैप्टर नंबर 13। वी विल कम बैक टू चैप्टर नंबर 4। देखते ही देखते हमारे दो चैप्टर्स तो हो गए, तीसरा हमारा ऑनगोइंग ही है। तो एक फ्लो बन गया ना हमारा, 2:30 से 2:34 हमने रेड टुगेदर, डन साथ में, है ना। नाउ यू विल रीड द रिमेनिंग सेक्शंस टिल 2:40। हो गया 2:30 से 2:40, डन कंप्लीटेड। और हमने क्या किया, हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने सेक्शन पहले चैप्टर 4 पढ़ा, साथ ही साथ 12 कर लिया, 13 कर लिया। ओके हम वापस 4 कंप्लीट करेंगे, देन वील कम टू 3 एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर यू हैव टू डू एज इट इज। अब यहाँ पर कैसा है ना, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा थ्योरी दी हुई है विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट, मतलब इतना बड़ा बड़ा रेलेवेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, खुद के लिए कुछ वन लाइनर्स बना लो, इसमें से की वर्ड्स निकालो एंड मेक योर ओन आंसर। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट सच बिग पैराग्राफ्स इन द एग्जाम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू लर्न ऑल दीज। एक और चीज, जहां पर एक कंटेंट दिया है यू विल रियलाइज वन थिंग कि ये सब ना प्रोसेस फॉर्मेट में दिया है कि पहले आपको ये फाइल करना है, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू दिस एक्सेट्रा। तो अगर आप चाहो तो इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज आप ऐसे वन लाइनर्स आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब जैसे कि हाईलाइट सम कीवर्ड्स दैट अ ट्रांसफरिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल टू द आरओसी दिस दिस अलोंग विद ये चीजें फाइल करना है। नाइन नेक्स्ट पॉइंट विल बी ट्रांसफरिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेक शॉर्ट पॉइंट्स का आंसर फॉर योरसेल्फ। नाउ द स्टेप्स इन द मर्जर्स, एक बार आपका सेक्शन 2:30 2:40 कंप्लीट हो गया ना, मैक्सिमम पार्ट आप वहां पर कवर कर लेंगे। एंड व्हेन यू कम टू दिस पार्ट, बहुत सारी चीजें आपको रिपीटेड समझ आएगी बिकॉज इट इज नथिंग बट द स्टेप्स यू हैव टू डू इन द मर्जर। और हमने सेक्शंस में क्या पढ़ा, वो लॉ बता रहा है आपको, वहां पर भी कोई प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, एंड द लॉ रिमेन्स द सेम वहां का, और यहाँ कॉन्टेंट चेंज नहीं होने वाला। हाँ कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो प्रोसेस फॉर्मेट में पढ़ना, हो सके तो खुद के लिए फ्लो चार्ट बना लो बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द स्टेप्स, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड लाइकवाइज यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर 3। डोंट गो टू द अहेड चैप्टर, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि प्रोसेस समझ आ गया 2:30 to 2:40। अब वो बता रहे हैं आप फंड्स कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। लेट्स चेक द मॉड्यूल। अब चैप्टर नंबर 3 हम जब पढ़ेंगे तो उसे भी एक सीक्वेंस में, यू डोंट हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम पेज नंबर 1 ऑफ द चैप्टर। सीक्वेंस वाइज करना है, ऐसा नहीं है हमने यहां से स्टार्ट करके पढ़ लिया, नो। देखो यहां पर कंटेंट रिपीटेड है अगेन, सो यू विल स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम हियर। सी आई हैव मार्क्ड 1, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, अगेन सेक्शन नंबर 2:30 से लेकर के 2:40 को रिपीट किया है। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग इट अगेन इन दिस चैप्टर, दे हैव गिवन अ जिस्ट ऑफ दैट सेक्शन, लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव सेक्शन एक्सप्लेन करने का नहीं है। उस सेक्शन से रिलेटेड क्या डिसाइडेड केस लॉ हुआ था, उसका क्या डिसीजन था, वो एक्सप्लेन करना है। सो वंस वी आर डन विद द प्रोविजंस, हमें पता है प्रोविजंस किस बारे में है, अब केस लॉ को समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर आपका पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो क्या रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द केस लॉ एंड व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट वर द डिसीजन और द कंक्लूजन इन दैट केस। प्रोविजन नहीं पढ़ना है यहाँ से। ओके सो सी इट्स रिपीटेड एंड यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ द केस लॉज। एंड आप एक और चीज कर सकते हैं, एज आई सेड ज्यादा केसेस नहीं है,
मुश्किल से 20 केसेस होंगे पूरे सीआरआई में 2025। एक लिस्ट बना लो खुद के लिए, या फिर जहां पर आपने सेक्शन 230 से 240 पढ़ा है जो आपके नोट्स है, तो बिसाइड दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट सेक्शन आप केस लिख सकते हो, उसका एक ब्रीफ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 230 मेरे नोट्स में है, मैंने यहाँ पर उनके तीन केसेस पढ़ लिए। ओके, ये वाला एक केस पढ़ लिया, इसका जो मीनिंग था वो मैंने पढ़ लिया, एंड आई विल राइट अ शॉर्ट नोट बिसाइड माई दैट नोट्स इटसेल्फ एंड इंक्लूडेड इन दैट। इस तरह से क्या होगा, आपका ये उसमें कंबाइन हो जाएगा, आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं। सी सेक्शन 230, 32 सब दिया है, केस लॉस पे फोकस करना है। दिस शुड बी योर फर्स्ट पार्ट। ऐसे से क्या होगा ना, ओवरलैपिंग कंटेंट फट फट कंप्लीट हो जाएगा, और हमने 230 240 जस्ट पढ़कर आए हैं तो वो फट से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, ये क्यों, क्योंकि इसमें दिया है आपका फॉर्म नंबर्स। जब आपने सेक्शन 230 से 240 पढ़ा अलोंग विथ रूल्स, तो हमने वहां पर सारे फॉर्म नंबर्स पढ़ लिए। अब यहाँ पर आप आएंगे उसको रिवाइज करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द कॉन्टेंट इज ओवरलैपिंग इन द एंटायर मॉड्यूलर, किस सीक्वेंस में दिया है यहाँ पर, लेकिन हमें खुद अपने सही सीक्वेंस में पढ़ना है, वहां पर सही नहीं दिया है। आप यहाँ से ये पूरा रीड करेंगे। माइंड यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आकर गया है 1-1 मार्क के लिए। ओके, देन आफ्टर डूइंग दिस आपका थर्ड रहेगा, फेयर एंड रीजनेबल स्कीम। ये क्या है, आरसीडी का रिपीटेड। देखो आगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी रूल, एक्सेप्शंस क्या है, अल्ट्रा वायर्स, दिस रॉन्ग डूअर्स, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में दिया गया है, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कहेंगा ट्यूब्स, कॉमन केस है ये हमारा, है ना। और एक और चीज देखोगे ना, जो केसेस यहाँ पर दिया है ये सेम है जो आपके आरसीडी में दिए हैं, डिट्टो, एक दो नए होंगे बाकी सेम है। देखो, मैनिया वर्सेस हूपर्स टेलीग्राफ वर्सेस रिपीटेड केस, तो ये हम बस रीड करेंगे, गो थ्रू, ठीक है। देन व्हाट शुड बी अ फोर्थ टॉपिक, यू हैव टू डू दिस अलोंग विद दैट। अभी जो हमने देखा ये आरसीडी का रिपीटेड है, माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, सेक्शन सी। मिसमैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, एंड उसके बाद आप पढ़ेंगे क्लास एक्शन आरसीडी। तीन टॉपिक्स आरसीडी के थे, हमने पढ़ लिए। ओके, इसके बाद आप करेंगे अपना बैलेंस चैप्टर। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी हियर, हमने पहले जो रिपीटेड कंटेंट था लास्ट चैप्टर का वो यहाँ पर पढ़ लिया, सेकेंड जो आरसीडी से रिलेटेड था ओवरलैपिंग वो पढ़ लिया, अब हमारे मेन चैप्टर में जो नया कंटेंट दिया है हम वो पढ़ेंगे। तो देखो, पढ़ने के लिए बचा क्या, एकदम थोड़ा सा पार्ट है यहाँ का, चैप्टर डन है। यू हैव टू डू दिस फैमिली होल्डिंग्स एंड देयर मैनेजमेंट, यहाँ पर एक छोटी सी केस स्टडी दी है, डू दैट, एंड देन आपका जो बैलेंस पार्ट है, व्हाट आर द टाइप्स एंड फंड्स रेजिंग ऑप्शंस क्या क्या है आपके, वो दिए हैं। दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। पूरा होने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा, ये समझ आ गया कि मैं क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ रेजिंग द फंड्स, और ये कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम हमारा कंपनी लॉ पढ़ते थे वैसे। पूरा सेक्शन है, सो यू हैव टू डू इट सेक्शन बाय सेक्शन, प्रोविजन बाय प्रोविजन। ओके, सो वी हैव सीन हाउ यू हैव टू रीड टुगेदर एंड इन व्हाट सीक्वेंस, चैप्टर नंबर 4, 12, 13 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। कमिंग अहेड टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये चैप्टर हम कैसे पढ़ सकते हैं देखते हैं।
देखो अब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स एन ईक्यू एग्जाम क्वेश्चन. ओके नाउ यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो आपको केस ऑफ अमलगमेंशन में फाइल करनी पड़ेगी इन द स्कीम. अब दो एप्लीकेंट्स होते हैं, फर्स्ट एप्लीकेंट एंड सेकेंड एप्लीकेंट, दोनों को फाइल करना पड़ेगा. जैसे दे हैव गिवन अ लिस्ट फॉर द बोथ. लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये वाला जो हाइलाइटेड पार्ट है और जो टिक किया हुआ है, दे आर सेम. द ओनली डिफरेंशिएटिंग वर्ड यूज इज ये एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेंट कंपनी के और ये सेकेंड एप्लीकेंट कंपनी के है, पूरा सेम है. तो आपको यहाँ से इतना लर्न कर लो एंड देन रिमेम्बर इट फॉर द सेकेंड एप्लीकेंट. ओनली यू हैव टू डू वन थिंग इज सेकेंड एप्लीकेंट के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन दी है, जस्ट लर्न दिस. बाकी तो रिपीटेड है ना. ओके नाउ यहाँ आपका आता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त कुछ आपको पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, स्कीम्स बनानी पड़ेगी अमलगमेशन की. तो वो स्कीम कैसे आप ड्राफ्ट कर सकते हो वो दिया है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, किस तरह से दिया है. सबसे पहले ना इसको फाइव, ये जो स्कीम कैसे फाइल करनी है इसको पांच पार्ट में दिया है. पहले ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर वो बता रहे कि स्कीम ड्राफ्ट करते तो हमारे तीन पॉइंटर्स हैं. एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला है, एक ऑपरेटिव पार्ट रहने वाला है और एक फाइनल जो रहेगा वो पार्ट रहेगा. एंड उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आप क्या कॉन्टेंट्स लिखने वाले हैं. सेम गोज टू द नेक्स्ट टू. दिस इज स्टेप नंबर वन कि आप स्कीम फाइल करेंगे. स्टेप नंबर टू दे आर एक्सप्लेनिंग कि स्कीम फाइल करने के बाद हम स्कीम सबमिट करेंगे. तो दिस इज पॉइंट नंबर टू. द थर्ड पॉइंट दे आर एक्सप्लेनिंग इज यू हैव टू कॉल द मीटिंग बाय द ट्रिब्यूनल. मीटिंग्स होती है ट्रिब्यूनल की, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होते हैं वो रेस किए जाते हैं. इस टॉपिक के उन्होंने दो सब टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं कि अगर ये मीटिंग है तो मीटिंग की नोटिस कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं एंड उस ड्राफ्टिंग का एक्सप्लेनेटरी नोट जो है वो कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा. इसके मीटिंग के जो नोटिस है उसे क्या कॉन्टेंट्स होंगे फर्दर वो एक्सप्लेन किया गया है एंड एक्सप्लेनेटरी नोट के क्या कॉन्टेंट होंगे वो एक्सप्लेन किया गया है. देन दे हैव टोल्ड पॉइंट नंबर फोर कि एक बार ये सारी चीजें हो गई सो हम द मीटिंग का जो चेयरमैन रहेगा कुछ डिसीजन आएंगे. सो वॉट इज द रिपीट रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग बाय द चेयरमैन चेयरपर्सन. एंड लास्ट पिटिशन फॉर कंफर्मिंग कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. ट्रिब्यूनल फाइनल आपका डिसीजन देता है यहाँ पर आगे. इस तरह से उन्होंने पूरे उसको फाइव पार्ट्स में एक्सप्लेन किया. एवरी पार्ट हैज सम देयर ओन इंफॉर्मेशन गिवन. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या ये पूरा ऑल टुगेदर आएगा, क्या द आंसर इज नो. बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस के लिए मार्क स्कीम अलॉटेड भी बहुत ज्यादा हो गया. हमारा मैक्सिमम 8 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट. सो सेपरेट क्वेश्चंस आएंगे फॉर एवरी टॉपिक. ओके एंड देन अहेड. ओके तो साथ में तो नहीं आने वाला, लेकिन हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से. तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखो जब आप ये पढ़ रहे हो तो पहले फॉर्म नंबर्स वगैरह ध्यान से पढ़ लेना. ओके नाउ यू स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम. ये एग्जाम क्वेश्चन आकर गया है कि व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सो व्हाट आर द कंटेंट्स टू बी रिटन अंडर एन ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द स्कीम, ऐसा क्वेश्चन आया. तो क्या करना है आपको, आपको इसमें से एनी 10 याद कर लेना कॉमन वाले. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर 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 ऑफ फॉलोइंग. देन कुछ शेयर कैपिटल से रिलेटेड है कि इशू अलॉटमेंट इंक्रीज होता है शेयर कैपिटल. ऐसे एनी 10 यहाँ से लर्न कर लो और याद रखो ये हमारे स्कीम में ऑपरेटिव पार्ट रहता है, ठीक है. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक ना एडिशनल पार्ट दिया है कि आप जब ड्राफ्टिंग करोगे ना तो क्लीन एंड क्लियर ड्राफ्टिंग करना है एंड अलॉन्ग विद दैट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर प्रेजेंटिंग एन एप्लीकेशन फॉर पिटिशन. जब आप एनसीएलटी के पास जाओगे एप्लीकेशन दोगे पिटिशन के लिए तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखें. दे आर टेलिंग यू कि आपको टाइप होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, पेपर जो लोगे वो कौन कौन से, दिस बाय दिस 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन, लेफ्ट राइट एक्सेट्रा. आपको नीचे साइन करना है, किसकी साइन करना है, मेमोज इंक्लूड करना है, अटैचमेंट्स, देयर शुड बी नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस of etc. etc. people there should be affidavits and so on and so forth.
सो दे आर गिविंग यू सम गाइडलाइंस, एग्जाम में ये अलग से आकर गया है, तो आप इसको एज अ सिंगल पार्ट पढ़ेंगे. अगर इससे क्वेश्चन आया तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू राइट. कमिंग अहेड, यहाँ से आपके फॉर्म नंबर्स इंपॉर्टेंट है. नाउ ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग जो बता रहे हैं, सर दिस वॉज एन एग्जाम क्वेश्चन, ये छोटा वाला पार्ट. अब उस मीटिंग के नोटिस को कैसे फ्रेम करना है, क्या करना है, उसका कॉन्टेंट दिया गया है, तो आप इसको अलग से पढ़ेंगे. मतलब आपका जो स्टडी अप्रोच होगा ना, वो ये होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन सेपरेटली आया तो आई एम एबल टू राइट अगेन, अंडरस्टैंड कि ये पूरा एक टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ द स्कीम एंड गिविंग इट टू अ ट्रिब्यूनल. इसमें से आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस लिखो. आपका पेज, आप जो आंसर है वो यहाँ पर 5 पेज का है, पूरा नहीं लिख सकते, तब क्या करोगे, आपको हर एक का थोड़ा 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 लिखना पड़ेगा. तो आपको ये टॉपिक दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एज अ प्रोसेस भी पता होना चाहिए और इंडिविजुअल टॉपिक आया तो भी आपको लिखते आना चाहिए. कमिंग अहेड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के क्या कॉन्टेंट्स होंगे वो उन्होंने उसके बारे में बताया है. डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड लास्टली रिपोर्टिंग एंड द पिटिशन इज कंफर्म्ड कंफर्मिंग अबाउट द सेम. सो लाइकवाइज यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ऑफ द व्हाट शुड बी द अप्रोच एंड हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम. देखा ना आपने एग्जाम में इतने से पार्ट से 4-5 क्वेश्चन आकर गए हैं. सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. देन वो आपको यही बता रहे हैं कि आपने ऊपर जो ड्राफ्टिंग कर रहे हो ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स याद रखना है आपको, इसे सिर्फ रीड करना है थॉरली. ओके, एंड द ट्रिबल पासेस द फाइनल ऑर्डर. अभी आगे क्या दिया है, ये एनेक्स जरिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है जो अभी हमने ऊपर आपके प्रोविजन पढ़े हैं कि कैसे कैसे आपको ड्राफ्ट करना है, उसका एक सैम्पल दे दिया है कि ऐसे ड्राफ्ट होता है. पहले टाइटल लिखेंगे आप, फिर बाद में क्या लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो हमने कहा था ना, एक आपका ऑपरेटिव पार्ट होता है, उसमें डेफिनेशन रहेंगे, आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताना पड़ेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वही सारे डिटेल्स हमने एलेबरेट किया है. नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू सी कि किस तरह से ड्राफ्ट किया है, कि एग्जाम में अगर गलती से आ गया स्कीम ड्राफ्ट करने का, तो कम से कम आपको फॉर्मेट पता होगा कि हाँ पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ऐसे लिखना है, हेडिंग्स क्या लिखनी है एक्सेट्रा. ओके, कमिंग अहेड द चैप्टर इज डन. कुछ ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, बस वो जो स्कीम वाला पार्ट है वो है, और उसके थोड़े से जो स्टार्टिंग में इनिशियल्स थे वो बस. ओके, सो लाइकवाइज यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 5. कमिंग अहेड, देखो वैल्यूएशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ पर आती है वो होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन. देखो पास्ट में जब सिलेबस का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, तो वैल्यूएशन ना बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता था, कभी कभी 10, 15, 20. बट कीपिंग इन माइंड द लास्ट पेपर्स ट्रेंड, इतना नहीं आता है. अगेन कोई भरोसा नहीं है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. ओके, सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, क्या हमने वो 5-7 मार्क्स के लिए फोकस करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है? नो. आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पास्ट ईयर पेपर में जो वैल्यूएशन के क्वेश्चन आकर गए हैं, यू हैव टू डू दैट. मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा तो वो, और जो मॉडल टेस्ट पेपर होता है मॉड्यूल के एंड में वो, यू आर डन. छोड़ देना है इस टॉपिक को, एग्जाम में जो आएगा वो होगा. ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा प्रिपेयर कर रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, उस 50 मार्क्स में से समझो ना 10 मार्क्स का आएगा, इस 10 मार्क्स के लिए अपने 40 मार्क्स को मत गवाओ. 40 मार्क्स मेहनत करो, 10 को आपको लिखते आएगा, अगर आपने इतना पढ़ा है तो. यू ऑल विल बी इन अ पोजिशन टू राइट समथिंग. ओके, सो हाउ यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, इसमें ना कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, कोई ओवरलैपिंग कॉन्टेंट नहीं है, सब कुछ नया दिया हुआ है. इट इज अ वेरी सेपरेट चैप्टर एंड अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, देन चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, क्या यहाँ पर कोई स्टडी स्ट्रेटेजी है क्या? नो स्टडी स्ट्रेटेजी, सीधा सीधा चैप्टर दिया है. अगेन कंटेंट नया, नो ओवरलैपिंग कंटेंट, नो रिपीटेड कंटेंट. दे हैव सम थ्योरीज, दे हैव सम कैलकुलेशंस, यू हैव टू डू एज इट इज. कमिंग टू द नेक्स्ट
set of the chapters, chapter number 9, 10, and 11. Let's check how you can do this. Competition Act. Okay. ये आपका एग्जीक्यूटिव का नाम रिपीटेड है. सो सी, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं इसके, सो वेल एंड गुड, डू फ्रॉम दैट. लेकिन अगर कोई नोट्स नहीं है आपके पास और ये चैप्टर थोड़ा वास्ट लग रहा है, नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, अपने एग्जीक्यूटिव के नोट्स उठाओ. बस ये चेक कर लो कि यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ाए हैं. सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 20, 22 एक्सेट्रा. एक लिस्ट बना लो वो सेक्शन की, एग्जीक्यूटिव के नोट्स में जाओ, वो सारे सेक्शंस वहां से पढ़ो. यू आर डन विद द चैप्टर एंड देन कम बैक टू दिस चैप्टर. जो बचा हुआ पार्ट रहेगा बैलेंसिंग, विच इज नॉट इन योर एग्जीक्यूटिव, डू इट फ्रॉम हियर. और वो बहुत छोटा रहेगा, इससे क्या होगा, नोट्स बनाने की नीड नहीं है आपको. सेकेंडली, हम ना जो चीज पहले पढ़ चुके होते हैं ना, अगर उसे एक बार गो थ्रू किया वापस, तो आपको इंस्टेंटली सब रिकॉल हो जाएगा. सो इफ यू डू इट फ्रॉम योर ओन ओल्ड नोट्स, इट वुड बी वेरी इजी टू डू दिस चैप्टर एंड इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड. ओके, सो दिस इज द हैक एंड आई हैव डन द सेम एक्चुअली. ओके, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको देखते चलना है. इंपॉर्टेंट क्या है, डी मिनिमिस एग्जेम्पशन एग्जाम क्वेश्चन है, आकर गया है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक एग्जेम्पशन की लिस्ट दी है कि कौन कौन लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था. ओके, देन ये सेक्शन जो यहाँ कवर्ड है, सेक्शन 20, योर AAEC एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, योर रेगुलेशन. हाँ, ये जो पार्ट है यहाँ पर नया दिया गया है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव में कवर्ड नहीं है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको ये यहाँ से करना पड़ेगा. ठीक है, एंड देन दिस सेक्शन इज रिपीटेड, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29, 30 एक्सेट्रा इन योर एग्जीक्यूटिव. ओके, योर अप्रूवल्स, योर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेनल्टीज, द चैप्टर इज डन. द हैक ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर इज यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओल्ड नोट्स. ओके, कुछ ज्यादा ऐसा हाई फंडा नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट ही है सिर्फ. कमिंग टू चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्लो चार्ट्स. क्योंकि क्या है ना, दे आर टेलिंग यू कि हर एक्ट के अंदर आपको रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है तो किस तरह से लेना है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस. तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू वुड बी कंफ्यूज्ड. हम क्या कर सकते हैं, माइंड मैपिंग कर सकते हैं, मेक फ्लो चार्ट्स फॉर योर सेल्फ फॉर दिस चैप्टर. शॉर्ट में करना है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है. ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाय दीज अथॉरिटीज. सबके अपने अपने प्रोसेस है. कमिंग अहेड, ये देखो, एक ना ये इनकम टैक्स वाला जो पार्ट है, ये आपका चैप्टर 8 में ऑलरेडी हो गया है. इसीलिए तो हमने हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर चैप्टर 8 को पहले पढ़ा, उसके बाद हम आगे आ रहे हैं. ये पूरा तो वहां से पढ़ लिया, यहाँ पर आप जब रीड करोगे तो यू विल फाइंड द कंटेंट सेम. इट इज नथिंग बट द मीनिंग्स ऑफ द एमलगमेशंस, योर मर्जर्स एक्सेट्रा. दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये पूरा प्रोसेस फॉर्मेट में दिया, इसका फ्लो चार्ट आप बना सकते हो. एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आकर गया है हर एक टॉपिक पर, रेगुलेशन 37 पर आकर गया है. ओके, ये वाला आरबीआई का अगर आप रीड करोगे ना, ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स कुछ काम के नहीं है. इसमें कुछ आपको प्रोसेस दिया है, जस्ट अंडरस्टैंड एंड मेक शॉर्ट पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ और अ फ्लो चार्ट अगेन फॉर दिस पार्ट. एंड सिमिलरली फॉर अहेड, यहाँ पर देखो, ये जो फेमा क्रॉस बॉर्डर मर्जर वाला जो पार्ट है ना, सेक्शन 233 हम जो पढ़े थे अभी, वो ऑलरेडी यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो कवर हो चुका है. तो आपको जस्ट गो थ्रू करना है. ये देखो, रूल 25A हम पढ़कर आए हैं, ये पूरा पार्ट ओवरलैपिंग है. वहां से पढ़ लिया, यहाँ पर आप अगर गो थ्रू करेंगे क्या दिया हुआ है, यू विल फाइंड 95% ऑफ द कॉन्टेंट इज रिपीटेड. सी, रूल 25 दिया है यहाँ पर पूरा. हमने फॉर्म देखा है CAA 9, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, CAA 10. दिस इज एन ओवरलैपिंग पार्ट हो गया. एंड देन बचा हुआ चैप्टर,
So how we can do this, you have to make flowcharts for yourself. If you can remember theoretically, you can do that also. Coming to chapter number 11, kuch repeated hai kya? The answer is yes. Let's see. पहले तो बेसिक बेसिक है हमारा एनसीएलडी, एनसीएलडी सेक्शन 408, 4010 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब यहाँ पर ये वाला जो है अपील्स, ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन योर सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं तो कितने टाइम में जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये वाला यहाँ तक का पार्ट आपका आरसीडी में रिपीट हुआ है इन योर चैप्टर रिलीफ एंड रेमेडीज, जहां पर अपील्स दिए हैं सेम वहां से कर लेना और यहां से सिर्फ गो थ्रू करना. ओके देन ये टेबल आपका कोई काम का नहीं है. दे आर जस्ट टेलिंग यू नेम ऑफ द बेंच एंड इट्स लोकेशन एंड द टेरिटरी. ये टेबल हम लर्न भी नहीं कर सकते, एग्जाम में आया तो देखो इसको बस गो थ्रू करना है, ऑब्वियसली छोड़कर नहीं जाना है ना. आप लिख पाओगे, ये एग्जाम क्वेश्चन है. एक्सप्लेन 10 पावर्स ऑफ राइट, लिस्ट आउट 10 पावर्स ऑफ एनसीएलटी. ये एज इट इज क्वेश्चन आकर गया है, सो यू हैव टू रिमेम्बर एनी 15, याद रख लो, बहुत इजी है. ओके देन जो आगे का चैप्टर है इट इज एंटायर प्रोसीजरल पार्ट, आपको एज इट इज प्रोसीजर्स के फॉर्म में से करना है. अगेन हैक क्या है इसका, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है. यू कैन मेक योर ओन फ्लो चार्ट फॉर दिस चैप्टर एंड लाइकवाइज कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 ऑल्सो. यहां हमने ये समझा कि किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर कंटेंट ओवरलैपिंग है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है एंड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. देखो सीआरआई पार्ट वन के अंदर यू विल फाइंड टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन विल बी योर डायरेक्ट एंड द अदर विल बी योर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधा होगा एक्सप्लेन होस्टाइल टेक ओवर, फ्रेंडली टेक ओवर, मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. ओके प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आपका जो सेक्शन नंबर 230 से 240 आपने पढ़ा उसको लेकर के बीच में से कोई भी एक सेक्शन का एक पार्ट ले लेंगे, उस प्रोविजन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आप को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, फॉर्म नंबर्स पता होना चाहिए, अथॉरिटीज पर ध्यान देना हम किसको कब रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ओके. फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ऑब्वियसली योर ओन नोट्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट 50 मार्क्स ऑफ द सिलेबस. स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो कि सीआरआई का जो आईबीसी पार्ट है वहां क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आते हैं बिकॉज दे हैव योर ओपन बुक टू ट्रिक यू. तो यहाँ पर आप पास्ट पेपर देखेंगे, हाँ क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, इधर बी इट हियर और इन योर ओपन बुक, बट क्वेश्चन आपको इतने भी डिफिकल्ट नहीं रहेंगे जैसे आपके ओपन बुक में होते हैं. डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर समझ आएगा कौन से सेक्शन के बारे में बात कर रहा है. ओके okay? अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए. ऑनेस्टली इस सब्जेक्ट में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सिर्फ एक के अलावा. वी हैव टू स्टडी लाइक अ प्रोसेस सेक्शन बाय सेक्शन बिकॉज एवरी सेक्शन इज इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. आप सेस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सेक्शन 6 पढ़ूंगी कि कौन कौन से पर्सन आर इनएलिजिबल टू फाइल योर एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी. ये समझ आ गया, ओके मैं ये लिस्ट में फॉल नहीं करती हूँ. देन आपको सेक्शन नंबर 11 में बताएगा कि अगर आप एप्लीकेशन दे सकते हो तो कौन दे सकता है. ओके गॉट इट. अब वहां पर उन्हें बताया है सेक्शन नंबर 7 योर 8 एंड 9 रेड टुगेदर सेक्शन नंबर 10 कि अगर मैं फाइल कर सकते एप्लीकेशन तो मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हूँ. इफ आई एम अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, इफ आई एम अ कॉर्पोरेट डेटर और द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इटसेल्फ, द ऑपरेशनल क्रेडिटर, सॉरी. ओके तो कौन कैसे फाइल करेंगे. देन द नेक्स्ट सेक्शन कम्स के अच्छा ये लोग फाइल कर सकते हैं तो कितने टाइम लिमिट के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं. सेक्शन नंबर 12 कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12 ए बताता है कि अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी लेकिन मुझे अगर विथड्रॉ करना है तो क्या मैं कर सकती हूँ क्या. द आंसर इज यस, उसके प्रोविजन दिए हैं.
आगे आपको बताता है सेक्शन नंबर 13 के अंदर कि एक बार एप्लीकेशन दे दिया तो आपको तीन काम करने होते हैं। सेक्शन नंबर 14, 15 और 16 में जो दिए हैं वो तीन काम करने होते हैं जो सेक्शन 13 में बताया है। सेक्शन 14, देन यू हैव टू गिव योर पब्लिक अनाउंसमेंट, यू हैव टू अपॉइंट योर रेजोल्यूशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन फर्दर आपको सेक्शन नंबर 17 से लेकर बताया कि अगर एक बार आपका आईआरपी अपॉइंट होता है तो आईआरपी को क्या ड्यूटीज है, उसको कमिटी बनानी पड़ेगी, उसको कैसे मीटिंग लेना पड़ेगा, व्हाट मैनेजमेंट उसके पास आता है, तो क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन नंबर 17, 18, 19 एंड सो ऑन। फिर आपको बताया अगर कमिटी बनती है तो कमिटी कैसे बनती है, सेक्शन 20, 21, 22 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो मीटिंग का क्या फोरम होगा, आपकी रेगुलेशंस में दिया हुआ है। ऐसे करके आपका सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 31 तक के एक पूरा सीआईआरपी का प्रोसेस है। स्टडी ईच सेक्शन इंटरलिंक करके प्रोसेस बाय प्रोसेस पढ़ना है, हर जगह टाइमलाइन याद रखना है, एंड जब आप आगे के सेक्शन पे जा रहे हो तो पीछे जो सेक्शन है उसको एक बार रिवाइज करके आगे जाना है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना तो इनको चैप्टर की तरह ना पढ़ते हुए एक प्रोसेस की तरह पढ़ना, बिकॉज हर चैप्टर में ना कुछ कुछ सेक्शंस कवर किए हुए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ तक के आएगा। यहाँ सेक्शन नंबर 31 तक के यू वुड बी सॉर्टेड। अब वो बता रहा है आपको कि रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर होने के बाद क्या स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज का चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, अब समझो सीआईआरपी कंप्लीट। सीआईआरपी अगर आपका फॉलो नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट आता है इट इज योर लिक्विडेशन। अब आप पढ़ेंगे लिक्विडेशन का चैप्टर, हो सकता है ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के उन्होंने प्रोविजन दिए हैं, ना हो पा रहा है तो वाइंड नेम अप के बारे में दिया है। ये पूरा आपका वन सेट ऑफ चैप्टर है एक प्रोसेस की तरह कंप्लीटेड। नाउ वंस यू कंप्लीट दिस पार्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ये सेट ऑफ 3 चैप्टर्स, योर इंडिविजुअल, योर फ्रेश स्टार्ट एंड योर पीपीआईआरपी। एक चीज इसमें नोटिस करना कि इसका जो कंटेंट है इट इज सेम एज योर सीआईआरपी, बट द टाइमलाइंस, द डेट्स एंड कहीं कहीं आपकी अथॉरिटीज थोड़ी डिफर हो जाएगी, जैसे डीआरटी हो जाएगा आपका, है ना, एनसीएलटी की जगह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी सेम रहेगा प्रोसीजर कि हम आईबीसी पढ़ रहे हैं, आईबीसी में ना चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गई है आज। तो वंस यू कंप्लीट दिस, उसी के बाद ये चैप्टर पढ़ना, ऐसा नहीं है छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर का पढ़ लोगे ना ये चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। ऑफकोर्स देर आर न्यू कॉन्टेंट इन द चैप्टर्स एज वेल। ओके, एक बार आपका ये सेट ऑफ द चैप्टर हो गया, मतलब फर्स्ट सेट था सीआईआरपी प्रोसेस पूरा टिल योर वाइंडिंग अप, देन कम्स योर सेट टू जो ऑलवेज आपका इंट ओवरलिंकिंग है यहाँ पर, ठीक है, ओवरलैपिंग है यहाँ पर, सॉरी। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, आपका ये डीआरटी और योर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ये दोनों अलग चैप्टर है। सेट वन और सेट टू से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सेपरेटली पढ़ना है। ओके, वन थिंग, डीआरटी बहुत बड़ा चैप्टर है, अ कॉमन पॉइंट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट, छोड़ दे तो चलेगा क्या? नो no. पास्ट पेपर देखो इसका वेटेज कितना है, 8 मार्क तो आ ही जाता है, कभी कभी किसी अटेम्प्ट में 12 मार्क का भी आकर गया है। अच्छा, इसका हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा थियरी चैप्टर नहीं हो रहा, रोज थोड़ा 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 बिट्स एंड पार्ट्स में इस चैप्टर को कर लो, अगर नहीं होता है आपसे एक साथ तो। लाइकवाइज यू कैन डू योर पार्ट बी, इसके अलावा इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, है ना। ओके, अब कैसा है ना, आईबीसी पार्ट ऑफ योर सीआरआई एंड योर ओपन बुक हैज सम केस लॉज, इंपॉर्टेंट है, यस। कौन से, देखो कुछ कॉमन केस लॉज है जो आते ही है, और अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये जितना सेक्शन नंबर 6 से 31 तक का पार्ट है ना, मैक्सिमम केसेस इससे रिलेटेड ही है, इसके बाद केस लॉज बहुत कम है।
मुश्किल से पूरे सिलेबस में ऑफ पार्ट टू ऑफ सीआर है 20 से लेके 30 केसेस है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं कि हमें बाय हार्ट हो गए हैं अभी सिलेबस पढ़ते तक, तो एंड तक डू दैट ऑल्सो एंड डू द रेस्ट ऑल्सो। नाम याद नहीं रहेगा चलेगा, उसका फैक्ट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन बिकॉज स्टूडेंट ऑलवेज हैव एन परसेप्शन कि नाम नहीं लिखा तो फिर मार्क्स कटते हैं। हाँ कटते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी कटते हैं। नो, बैक कंक्लूजन सही, यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। ओके, अगेन एज आई सेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड थोड़े से आते हैं। किस फॉर्म में आएंगे? जो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल सीआईआरपी का प्रोसेस पढ़ा। ओके, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक्स वाई जेड इज अ पर्सन, उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान के लिए, ही वॉज अ रेजिडेंट एप्लीकेंट एंड नाउ ही इज आस्किंग द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मेमोरेंडम्स। ओके, कंटेंट क्या है? ये एग्जाम क्वेश्चन आकर गया है, तो इसका मतलब क्या है? दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द प्रोविजंस और आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पर, यू वुड बी इन अ पोजिशन टू राइट द आंसर। ठीक है, हमने देखा केस लॉस का आप कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है डायरेक्ट। हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर एज डिस्कस्ड अर्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चंस एज डायरेक्ट आंसर्स, एंड योर प्रोविजंस क्वेश्चंस हैव योर प्रोविजंस, योर फैक्ट्स एंड योर कंक्लूजन। माइंड यू, कॉन्सेप्ट बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड, कॉमेंट बेस्ड, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में कंक्लूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो पूछ ही रहे हैं आपको वो चीज। ओके, सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड योर CRIIBC स्टडी स्ट्रेटेजी। आई थिंक दिस मेक्स योर स्टडीज इजियर। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सब्जेक्ट। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।